हाय फ्रेंड, टेक्निकल जैसे में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज मेरे पास रेडमी 9 पावर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है इसमें, कॉलकॉम पोर्ट लेता है बाकी पीस ऑन नहीं होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मोबाइल है और मोबाइल पूरी तरह से डेड है। और इसे जब हम कंप्यूटर में लगाते हैं, देखिए हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ कॉलकॉम पोर्ट शो करता है और पीस ऑन नहीं होता है। ये देखिए कॉलकॉम पोर्ट शो हो चुका है लेकिन ये पीस ऑन नहीं होगा। तो ये किस वजह से होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये एक कैपेसिटर शॉर्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हम उस कैपेसिटर को रिमूव करके आपको दिखाते हैं। तो हम इस पत्रे को पहले निकाल लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये कैपेसिटर नहीं शॉर्ट है, ये देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट है। जो हमारी रेटिंग यहाँ पे 4 से 6 आनी चाहिए वो सिर्फ 200 आ रही है। आप देख लो 200 की रीडिंग आ रही है, जो कि 200 की रीडिंग नहीं आ चाहिए। मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ, वहाँ मीटर पर ले जाओ उसका। हाँ ये देखिए सिर्फ 200 की रीडिंग आनी चाहिए, जो 200 हमें नहीं आनी चाहिए। रीडिंग 400 के ऊपर आनी चाहिए और ऊपर वाला हमारा कैपेसिटर देखिए 300 के ऊपर आ रहा है, 350, ये सही है। तो नीचे वाला कैपेसिटर हम रिमूव करके देखते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। बोर्ड पे दिखाओ, तो ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है आप ये इसको जूम करो उत्कर्ष, ये कैपेसिटर को इसको देख लो, ये बराबर है। छोटा कैपेसिटर भी सही है, ये भी सही है। तो हम इस नीचे वाले इस कैपेसिटर को पहले रिमूव करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इधर दिखाओ तो इसमें आ रहा है, इसमें फोकस। फ्रेंड्स हम इस नीचे जो कैपेसिटर है इसको रिमूव कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं वो भी पता चल जाएगा हमें। तो हमने एक कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है, अब हम चेक करते हैं। बोर्ड पे दिखाओ उसका, यहाँ मीटर में दिखाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये आईसी का काम था, देखिए हमने कैपेसिटर रिमूव कर दिया है। अब हम फिटिंग करते हैं और चेक करते हैं हमारा कॉलकॉम मोड हटता है कि नहीं वो देखते हैं। हमें इसको सॉफ्टवेयर भी करना है इसके बाद, क्योंकि हमने मेमोरी एक बार चेक किया है तो सॉफ्टवेयर के हैंग ऑन लोगो आ गया था, तो सॉफ्टवेयर करना कस्टमर ने बताया था, उसके बाद हुआ था। ये पहले हैंग हुआ था ना तुम्हारे एक बार। तो फ्रेंड देखो हम इसको लगा रहे हैं USB में और वहाँ डिवाइस दिखाओ उत्तर, ये देखिए पीस पे दिखाओ। देखो पीस हमारा ऑन हो चुका है और हमारा कॉलकॉम मोड भी नहीं आ रहा है। और तो हमने ये प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम होता है USB शॉर्टिंग की वजह से होता है USB लाइन में, तो इसकी वजह से हमारा ये कॉलकॉम मोड शो करता है और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि EMMC का फॉल्ट है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब दुनिया भर का काम करने लगते हैं और पीस पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और हमने इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया सिर्फ 5 मिनट में। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना हो तो पहले उस सर्किट को समझना ज़रूरी होता है। जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस तरह से अंधा काम करके आप मोबाइल को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड लाइक शेयर तो बनता ही है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली मेरी।